हे गाइस, तो अभी एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे देता हूँ सीयूईटी एग्जाम के लिए कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, भारत की एक और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ने भी सीयूईटी एक्सेप्ट कर लिया है, और सिर्फ 8 कोर्सेज के लिए। ध्यान से सुनो जो भी मैं कह रहा हूं, बट उससे पहले एक बात बता दूं कि मैं आपके लिए एक वीडियो लाना चाहता हूं जहां पर मैं आपको आने वाले 2 महीने में आप घर पे बैठकर सीयूईटी की तैयारी कैसे करो बिना कोई कोचिंग लिए, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता हूं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, एक रोड मैप, एक टाइम टेबल, कैसे क्या तैयारी करनी है, तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। अब मेरी बात सुनो, देखो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है उसने अभी अभी रिसेंटली कंफर्म करा है कि हम 8 कोर्सेज के लिए सीयूईटी एग्जाम कंडक्ट करेंगे। वो कौन से 8 कोर्सेज मैं फटाफट से आपको बताता हूं, और उसकी डोमेन क्या होगी, मतलब कैसे आपको देनी है नहीं वगैरह, क्या एग्जाम में लिखना है, क्योंकि 3 सेक्शन आएंगे ना सीयूईटी एग्जाम में, तो 3 में से ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों ही सेक्शन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये कॉलेज, अगेन बोल रहा हूं, ये कॉलेज और ये कोर्स पर डिपेंड करता है कि वो क्या लेती है, मतलब उस पर्टिकुलर कोर्स में अप्लाई करने के लिए आपको कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 8 कोर्सेज हैं, बट इन 8 कोर्सेज के अलावा जो भी कोर्सेज होंगे, क्योंकि जामिया में बहुत कोर्सेज है, एक ही एक दो कोर्स नहीं है, तो बहुत सारे कोर्सेज है, तो इन 8 कोर्सेज के अलावा जामिया की खुद की एंट्रेंस एग्जाम होती है। ठीक है ना, तो वो एग्जाम को देना पड़ेगा आपको अगर जामिया में एडमिशन लेना है। फिलहाल सीयूईटी में कौन कौन से कोर्सेज है ध्यान से सुन लो। नंबर 1 आती है आपकी बीए ऑनर्स हिंदी, अगर आपको हिंदी ऑनर्स करना है जामिया से तो आपको सीयूईटी एग्जाम देना पड़ेगा। बीए ऑनर्स संस्कृत, इसके लिए भी, उसके बाद है बीए फ्रेंच ऑनर्स, उसके बाद है बीए स्पेनिश ऑनर्स, उसके बाद हिस्ट्री ऑनर्स, उसके बाद है इकोनॉमिक्स ऑनर्स, उसके बाद है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद है बीए वोकेशनल। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो जामिया से थ्रू सीयूईटी एग्जाम के। ओके, आप पूछोगे भैया इसमें क्या आएगा सिलेबस वगैरह, देखो आपको सारी चीज ना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे मिल जाएगी, जामिया के वेबसाइट पे अभी अभी सब कुछ अपडेट है, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगी। बट ओवरऑल मैं एक मोटा मोटा बता देता हूँ आपको फटाक से कि मान लो कि अगर आपको हिंदी जैसे कोर्स में अप्लाई करना है तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको जो सीयूईटी की जो पहली जो लैंग्वेज टेस्ट वाली सेक्शन है सिर्फ और सिर्फ वही अटेम्प्ट करनी है। उसमें जो 1A में, मतलब दो सेक्शन है ना, 1A एंड 1B, पहला जो सेक्शन है उसके अंदर लैंग्वेज के अंदर, जिसमें 13 लैंग्वेज है और 20 लैंग्वेज है, तो वो 13 और 20 में से आपको जो 1A वाला है जिसमें 13 लैंग्वेज में एक हिंदी आपको सिलेक्ट करना है और उसी का एग्जाम देना है। आपको डोमेन देने की जरूरत नहीं है, जिसमें स्पेशलाइजेशन होती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये लैंग्वेज है, तो आपको एक लैंग्वेज टेस्ट दे देना है और जनरल टेस्ट भी, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। सेम यही चीज आपकी संस्कृत के साथ भी होगी, सेम यही चीज आपकी जामिया फ्रेंच के साथ भी होगी, आपकी फ्रेंच के साथ भी होगी, आपकी स्पेनिश के साथ भी होगी। लेकिन अगर आपको हिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है जामिया में, तो आपको एक तो आपको कोई एक लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, कोई भी अपने हिसाब से, जो भी आप देना चाहो, हिंदी इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आप चाहो, और एक आपको देना पड़ेगा इसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब अगर आपको हिस्ट्री करना है तो आपको हिस्ट्री देना पड़ेगा डोमेन स्पेसिफिक सेकंड सेक्शन से, एंड अगर आपको इकोनॉमिक्स करना है तो आपको इकोनॉमिक्स भी देना पड़ेगा। तो ये एक बात है जो मैंने आपको बता दी, अब इसके हिसाब से अपनी आपको स्टडी करनी है, तैयारी करनी है। देखो कोई भी यूनिवर्सिटी छोटी बड़ी नहीं होती है, आपको हर एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए। ऑब्वियसली हर किसी का ड्रीम यूनिवर्सिटी कोई ना कोई होता है, बट स्टिल आपको जामिया को भी अपने बकेट लिस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि ये भारत की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है। तो यस, अगर आप एक मुस्लिम कैंडिडेट हो तो आपके लिए थोड़ा एडवांटेज होगा, यहाँ पे थोड़ा आपके लिए रिजर्वेशन ज्यादा होगा, बाकी कोई भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। कल की वीडियो अगर आप चाहते हो कि मैं रोड मैप बताऊँ, टाइम टेबल वगैरह, तो प्लीज कमेंट करके बताओ। और एक फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर भी मुझे वीडियो बनानी है, वो मैं भूला नहीं हूँ, डोंट वरी, कि फॉरेन लैंग्वेज में कैसे एडमिशन लेना है, फॉरेन लैंग्वेजेस में सीयूसेट का क्या होगा नहीं होगा, जेएनयू डीयू बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो उसके ऊपर जरूर वीडियो आएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हारा भाई इसी तरीके से तुम्हें अपडेट देता है, ना कोई बड़ा क्लास चला के, ना कोई बोर्ड लगा के, ना कोई, समझ रहे हो ना, तुम समझने वाले समझ गए होंगे। आई लव यू गाइस, बाय बाय।